अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल खान ब्लॉग विद जिमी खान पे। और आज वीडियो में लेकर आया हूँ अलराजी बैंक का ऑनलाइन कैसे बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे उसका पूरा वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए, और वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन भाइयों को जानकारी नहीं है उनको भी ये जानकारी हो जाए कि किस तरीके से अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन बैंक का अकाउंट घर पर बैठे आप एकदम बिल्कुल बस कुछ आसान स्टेप फॉलो करके आप आराम से अपने घर पे बैठ के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अलराजी बैंक सऊदी में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें तो सब समझ में आएगा इंशाल्लाह। पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से अलराजी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको बैक करके। ये देखिए मेरे मोबाइल में अलराजी का बैंक का ऐप डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है लॉगिन, क्विक लॉगिन, रजिस्टर नाउ, रजिस्टर न्यू अकाउंट। तो हम यहाँ पे न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये आपका देख लीजिए, ये आपका मांगेगा ओपन योर अकाउंट इन लेस 5 मिनट। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना इकामा नंबर डालेंगे। इकामा नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद से आपके मोबाइल पे कोड आएगा 4 अंक का, और ये देखिए कोड आ चुका है जो ऑटोमेटिक मोबाइल ने डिटेक्ट कर लिया है। इसको अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद फिर ये आगे का प्रोसेस बढ़ाएगा। तो इसमें प्रोफेशन पूछेगा, तो प्रोफेशन में आपको डाल देना है अगर आप ड्राइवर हो या फिर किसी उस पर हो, किसी पोस्ट पे हो जो है आपका, आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज़ योर प्राइमरी इनकम सोर्स पूछेगा कि मतलब आपके इनकम का सोर्स क्या है, तो सैलरी पे क्लिक करना है। अब मंथली पूछेगा कितना आपका सैलरी है, तो मंथली में आप 2000, 2500 आपका जितना भी है आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 2500 रियाल डाल दिया है। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप, यू आर ए फ्यू स्टेप अवे ओपनिंग योर अकाउंट आ रहा है ना। फिर यहाँ पे प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये अब हमको लेके जाएगा अफसर के अकाउंट पे। तो हमको यहाँ पे अपना अफसर लॉगिन करना है। यहाँ पे हम अपना अफसर लॉगिन करेंगे। अफसर लॉगिन करने के बाद यहाँ लॉगिन का बटन है उस पर प्रेस करेंगे। आप देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए, इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा, आप भी ऑनलाइन ओपन कर लेंगे आराम से। देख सकते हैं आप, यूजर नेम डालने के बाद से इसमें आया है, फिर इस पर OTP आएगा, आपके अफसर के उस पर OTP आएगा। तो OTP हमको वही OTP उसमें डालना है, 3703। देख सकते हैं आप OTP आया। OTP डालने के बाद से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर ये कंफर्म करेगा कि आपका है अफसर पे बना या नहीं। देख सकते हैं, प्लीज़ योर नेशनल एड्रेस। अभी नेशनल एड्रेस जब पूछेगा तो सेलेक्ट योर रीजियन, जैसे कि मैं ईस्टर्न रीजियन में रहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से फिर मेरे से पूछेगा सेलेक्ट योर सिटी, तो हम लोग दम्माम में रहते हैं। एक मिनट मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये दम्माम में आ गया, इंटर डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट जब पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आप अपना डाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब दम्माम में, रियाद में, जद्दा में, कहीं पर भी हो आप वहाँ का डाल सकते हो। जिप कोड पूछेगा, तो जिप कोड आपका, आप जिस एरिया में रहते हो आप गूगल से सर्च मार लेना, आपका जिप कोड आ जाएगा गूगल पे, तुरंत शो करेगा कि आपके एरिया का जिप कोड कितना है। जिप कोड यानी कि पोस्टल एड्रेस, पोस्ट ऑफिस का, ठीक है।
अब इस पे हम अपना अपना जिप कोड डालेंगे, फिर आगे करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ का जिप कोड डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये देख सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका टाइप योर सिटी नेम आ जाएगा। प्लीज टेल योर बर्थ प्लेस, इंडिया का बर्थ प्लेस यहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे हमारा मतलब जन्म हुआ है। और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे बर्थ प्लेस डाल के। आर यू ए सिटीजन ऑफ US टैक्स रेजिडेंट, यहाँ सब पे नो पे क्लिक है ऑलरेडी, उस पे खाली आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप अपना यूजर नेम अपने हिसाब से बना सकते हैं, मतलब आपको क्या यूजर नेम डालना है ये यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। अपना यूजर नेम आप डाल के वो कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, ईमेल एड्रेस आप डालेंगे, ईमेल एड्रेस आप ओके करेंगे, ईमेल एड्रेस डाल के फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका पिन कोड बनाने को कहेगा, तो आप पिन कोड अपना कुछ भी बना सकते हैं। जो मैं अपना पिन कोड डालूंगा, मैं आपको पिन कोड आप कुछ भी डाल सकते हैं। एक मिनट, ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे पिन डाल दिया, ये ऑटोमेटिक अभी ये देखिए, ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया, सक्सेसफुल ओपन हो गया। देख सकते हैं आप हमारा अकाउंट सक्सेसफुल ओपन। मैं अभी आपको जो अकाउंट ओपन हुआ है उसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि लॉगिन हो गया। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड को यहाँ अलाउ पे क्लिक करेंगे और हमारा सक्सेसफुल अकाउंट बन चुका है। जिस अकाउंट को मैंने बनाया वो अकाउंट बन चुका है, देख सकते हैं आप। ठीक, ये अकाउंट हमारा ओपन हो गया, देख लीजिए आपके सामने बिल्कुल प्रूफ के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को अलराजी बैंक का ATM कैसे निकालते हैं मशीन से, ATM कैसे निकालते हैं, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना के इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा।